नमस्कार फ्रेंड्स, मैं योगी पंडित और आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी पंडित। तो चलिए गाइज, आज मैं आपको 4-5 पिन सॉकेट और एक स्विच कनेक्शन कैसे करें इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बोर्ड के अंदर सबसे पहले हमें मैंने जो 4 सॉकेट और एक स्विच ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो देखिए ये सॉकेट की 2 पॉइंट है और ये इस सॉकेट के सब सॉकेट की दो दो पॉइंट है दोस्तों, और ये 2 स्विच के पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि स्विच के एक पॉइंट ऊपर हमें एक वायर लगानी है। ये हमने वायर लगा दिया है दोस्तों। अब हमें एक छोटा वायर का इस तरह का टुकड़ा और लेना है और इस वायर के साथ में जॉइंट करना है। ये सॉकेट का पॉइंट है दोस्तों, इसके पहले पॉइंट पे लगा देते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, एक छोटा टुकड़ा और लेना है और इसके साथ ज्वाइंट करना है। ये हमें सॉकेट के दूसरी सॉकेट के पहले पॉइंट पे लगाना है। अब हमें एक छोटा टुकड़ा और लेना है, ये इसके साथ ज्वाइंट करना है और ये 3 नंबर सॉकेट के पहले पॉइंट पे लगाना है। ये हमारा लास्ट बचा टुकड़ा है जो हम सॉकेट लास्ट सॉकेट के पहले पॉइंट पे लगा देते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए दोस्तों, ये स्विच का पॉइंट है, ये सॉकेट का पहले पॉइंट पे आ गया इस पॉइंट से, और ये सॉकेट की दूसरी सॉकेट के पहले पॉइंट पे, ये तीसरी सॉकेट के पहले पॉइंट पे, ये चौथी सॉकेट के पहले पॉइंट पे। इसी तरह हमें एक वायर का टुकड़ा और लेना है, तो ये लास्ट सॉकेट है इसके दूसरे पॉइंट पे लगाते हैं। और इसके साथ में हम एक टुकड़ा और लेके ज्वाइंट कर लेते हैं, ये 3 नंबर सॉकेट है, इसके दूसरे पॉइंट पे लगाते हैं। और इसी तरह हम एक टुकड़ा और लेते हैं जो इसके साथ वैसे ही जॉइंट कर लेते हैं, ये 2 नंबर के सेकंड पॉइंट पे लगाते हैं। 2 नंबर सॉकेट है, उसके सेकंड पॉइंट पे लगाते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों, किसी प्रकार की गलती मत हो जाए। एक बार या दो बार वीडियो देखने के बाद कनेक्शन करें। अब हमें एक थोड़ा लॉन्ग टाइप का वायर लेना है जो हमारी मेन लीड का वायर बाहर निकलता है, आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको इस जो सेकंड पॉइंट पे लगे हुए पॉइंट है इस पे इसके साथ में इसको जॉइंट करता हूँ, ये देखिए। और ये पहली सॉकेट है, इसके सेकंड पॉइंट पे लगा देता हूँ। ये हमारा मेन लाइन का एक वायर निकल गया है दोस्तों। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये लास्ट सॉकेट है, इसका दूसरा पॉइंट है इस पॉइंट से इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे, और इस पॉइंट से इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे, और इस पॉइंट से इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे वायर आया जो हमारा मेन लाइन निकल गया एक वायर।
अब मैं आपको दूसरा मेन लाइन का वायर का कैसे निकलेगा वो बताता हूँ। वैसे ही मैंने एक बड़ी लाइन का वैसे ही वायर पकड़ा लिया है, आप भी अपनी जितनी लंबी लाइन लेना चाहे उसी के आधार पे लंबा ले सकते हो। तो ये स्विच का ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट है, ये इस पर लगेगा। ये स्विच के जो एक पॉइंट खाली है देखिए, इस पे ये लाइन का दूसरा वायर लगेगा। ये देखिए ये मैंने लगा दिए हैं। ये देखिए मेन लाइन का एक वायर ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों वायर मेन लाइन के हो गए। अब इन जो नट लगे हुए हैं उनको अच्छे से टाइट कर दे दोस्तों सभी को, अगर ये लूज रहेंगे तो ये बोल्ट जलने की प्रॉब्लम हो सकती है और इसके ऊपर चलने वाले उपकरण भी जल सकते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो जरूर जरूर करें दोस्तों। एक लाइक देने में आपको क्या जाता है, एक लाइक तो दे दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो ये देखिए मैंने एक्सटेंशन बोर्ड के जो एक सिरा इस पे से ये दोनों वायर मैं निकालता हूँ, ये मैंने होल बना रखी है यहाँ पे, ये देखिए, और ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया है। इसके ऊपर स्क्रू लगा दीजिए। अच्छे से आप टाइट कर दीजिए सभी नट है जो, अच्छे से टाइट कर देना दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक तो जरूर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह का नया वीडियो देखकर फिर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। Gracias.